अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इस एक्सटर्नल एयर फिल्टर को बाइक के अंदर इंस्टॉल करेंगे। कितनी इसने हमें पिक दी है और कितनी माइलेज दी है, यह भी आपके साथ लाइव जो है वो यहाँ पर शेयर किया जाएगा। ये एक्सटर्नल एयर फिल्टर होता है, ये आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाता है और आपको ऑफलाइन ही मिल जाता है। जस्ट आप जाकर गूगल पर लिखना होता है होंडा सिटी 70 एक्सटर्नल एयर फिल्टर, तो आपको ये 200 से 250 रुपये तक का मिल जाता है। और सबसे बड़ी इसकी जो खूबी होती है वो ये होती है कि ये होंडा सिटी 70 जो बाइक होती है, इसमें जो फिल्टर होता है उसके लिए आपको फिल्टर कवर को बाहर निकालना होता है और वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बाहर निकालना, उसके बाद उसको जो फिल्टर चेंज करना और वापस से डालना, तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो उन सबसे जान जो है आपकी छूट जाएगी। अब ये अगर आप देखें, ये इस तरीके से गत्ते के पैकिंग में आता है और ये लगाना और उतारना बहुत ईजी होता है। ये 4 से 5 ट्यूनिंग तक आप इसको जो है वो हवा मार के साफ कर सकते हैं, पेट्रोल से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। ये बहुत, यहाँ पे देखिए कितनी प्रीमियम क्वालिटी के चमड़े से बना हुआ है। ये इतने हार्ड है ना, और सेम अंदर ही वही चीज है। आप इसको पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं हर ट्यूनिंग में, और आप इसको हवा मार के भी साफ कर सकते हैं। और आप 5 से 6 ट्यूनिंग के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, ये मिल जाता है, ये काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में। इसके साथ एक क्लिप भी होता है जो अच्छे से दबाएगा इसका, और ये लगाना और उतारना बहुत ईजी होता है। इसको हम देखेंगे भी सही। जो भी इसने पिक दी और जो भी माइलेज दी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप सब दोस्तों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी जो बाइक है, दिखाया भी था मैंने कि वो जो है वो 0 से लेकर 60 तक की जो स्पीड है वो पकड़ती है 12 सेकंड में। तो पिक हम यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारी जो है वो ये लगाने से कितनी सेकंड में जो है वो पकड़ती है पिक। और इसके अलावा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारी बाइक जो है वो 64 किलोमीटर देती है पर लीटर, जो इसमें न्यू मॉडल का फिल्टर जाली वाला लगा हो तो, जो कि इसमें अभी भी लगा हुआ है, यानी कि 64 किलोमीटर हमें देती है मेरी बाइक नए मॉडल का जो फिल्टर होता है होंडा सिटी 70 का उसके साथ। तो इस पर हम देखेंगे कि हमें जो है वो कितने किलोमीटर इसने दिया है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 से लेकर 6-7 किलोमीटर जो है वो काम नहीं करती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। जो लोग लॉन्ग टूर पे जाते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, आपकी बाइक ज्यादा गर्म भी नहीं होगी और काफी ज्यादा भागती भी है। और ये हवा को बिल्कुल साफ करके, अच्छे से साफ करके अंदर कार्बोरेटर में भेजता है, अच्छे से साफ करके और बढ़ा के अंदर भेजता है। ठीक है, और इसकी ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत प्रीमियम है। इस चीज ने जो ब्लैक कलर किया, इससे मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट किया है। तो इसको हम बाइक में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाइक का खोल लेना टापा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने जो बाइक की बैटरी है वो आपने बाहर निकाल लेनी है। मेरी बाइक में बैटरी नहीं है, मैं कैपेसिटर यूज करता हूँ और कैपेसिटर लगाता है मेरी बाइक में रेक्टिफायर के साथ। अब आपने लेना है कोई भी टी एंड इसको ये रखिए, यहां से ये बाहर निकल जाएगा। ये निकला है, इसको आपने आप रख लेना है, इसकी आपकी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इसको लगाने के लिए दो तरीके होते हैं, क्योंकि बढ़ता यूनिवर्सल। अब वैसे जो लोग करते हैं ना, अल्टर करते हैं, वो लोग इसको यूज करते होते हैं अक्सर स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसको वो क्या करते हैं कि कार्बोरेटर खोलकर पूरा घुमाकर, यानी कि ये बिल्कुल ये चीज इस साइड पर कर देते हैं। बस आपने यहां से दो ये बोल्ट खोलने होते हैं, ये नंबर एक तरीका है। ठीक है, नंबर टू ही मैं बताता हूं कि आपने दो ये बोल्ट है आपने खोलने हैं और कार्बोरेटर उल्टा लगा देना और फिल्टर आपने यहाँ पे ऐसे लगा देना होता है। ठीक है, ये करते हैं वो लोग जो कि अल्टर करते हैं, क्योंकि ये यहां से ऐसे फिट आता नहीं है, ये यूनिवर्सल होता है। तो इसको बहुत ही इजी तरीका है, मैं जो है आप वो तरीका भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। मैं इसको यहीं पर लगाऊंगा, लगाना कैसे मैं आपको बताता हूं। आपके पास ये कोई पुराना का पड़ा होगा ना, आपको इस तरह से कोई भी मिल जाएगा पुराना फिल्टर कवर। ये क्या चीज है मैं बताता हूं। ये पूरा फिल्टर है ना, तो ये इसका ये वाला देखिए इस तरीके से ये आगे वाला कवर है, ये आपको 100 रुपए तक का मिल जाता है। तो ये आपने ले लेना है, कोई पुराना भी आप ले सकते हैं। जस्ट आपने इसका यहां पर कट लगा था, यहां पर ये देखिए ये इसका निशान है, इतना आपने काट देना है किसी भी चीज से। तो ये देखिए ऐसे आ गया। अब आपने इसको जो है ये इसके बीच में बिल्कुल टाइट फिक्स आएगा, अच्छे से करके ना आपने ऐसे, ये देखिए बिल्कुल यहां से फिक्स आया ये। तो फ्रेंड, पहले आपने जो क्लिप पहना ये भी यहां से आपने अंदर कर देना, ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना करें। अब आपने कार्बोरेटर के दो ये 10 mm की से आपने दो ये बोल्ट जो है इसके आपने खोल लेने हैं। ये देखिए ठीक है, ये बिल्कुल बैटरी यहां पर जगह पूरी बनेगी। तो ये देखिए, उसके बाद आपने दो ये जो इसके बोल्ट है वापस लगा देने और क्लिप को आपने अच्छे से टाइट कर देना है।
ज्यादा टाइट नहीं करना वरना स्लिप हो जाएगा। तो बस ये इतना सा काम था। बैटरी आपके यहाँ पे आराम से आ जाएगी, बहुत जगह होती है ठीक है। अब जब भी आपने चेंज करना है ना, आर पीछे से खींचना है और दबा लगा देना है, कोई आपको वो सारा निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं बाइक को चलाकर, आज जाकर हम इसको टेस्ट करते हैं फ्यूल माइलेज प्लस इसकी पिकअप को लेकर। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाइक को घर से ले आया हूँ, इसमें पेट्रोल पहले नहीं था तो मैंने डलवाया नहीं, मैंने बोतल में डलवा लिया ताकि फिर दोबारा हमें टैंकी जो खाली ना करनी पड़े। कार्बोरेटर भी नहीं है, बाइक बिल्कुल बंद है। तो अभी मेरे पास दो बोतलें हैं, ये वाली है ना, ये इसमें पूरा एक लीटर का आठवां हिस्सा है ठीक है। तो जो रिजल्ट आया वो हम उसको आठ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा जो जवाब है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो भी रिजल्ट आया ना किलोमीटर के हिसाब से जितनी बाइक चली उसको हमने एट से करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि एक लीटर का आठवां हिस्सा है तो हमारी जो बाइक है वो हमें एवरेज बता देगी। अब बाइक बिल्कुल बंद है, बल्कि मुझे टेंशन भी है कि स्टार्ट कैसे होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी एक बोतल एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, जब ये खत्म हो तो मैं घर जा सकूँ। स्पीड हम बाम डैश करेंगे ठीक है। अभी हम नॉर्मल चलाते हैं जैसे एक आम आदमी चलाता है बाइक। नॉर्मल चलाने के बाद ना इसको हम फिर ये सारा कर लेंगे ना पूरा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम फिर पिक चेक करेंगे इसकी पिक कैसी है। ये डल गया एक लीटर का आठवां हिस्सा, जो भी रिजल्ट आया उसको करना है हमने एट जो है वो उससे मल्टीप्लाई। तो चलिए बाइक को अब हम चलाते हैं। कितने किलोमीटर है आप एट ही कर लें ठीक है, 208 है, 208 है क्योंकि बिल्कुल वो आठ के करीब है, 208 है। तो अब बाइक कम करते हैं स्टार्ट, चौक उठाना ही पड़ेगा अदरवाइज बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये ठंडी भी है ना बाइक, चौक उठाते हैं थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फ्रेंड्स आप ये फिल्टर इजीली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फिल्टर हो ना आप जस्ट ऐसे ही जो फिल्टर जो कवर आता है ना आपकी बाइक का उसको काट के आप एडजस्ट करके अपने पास अंदर लगाना ही होता है। जो लोग करते हैं ना कार्बोरेटर को उल्टा लगाते हैं वो भी तरीका ठीक होता है, ये भी तरीका ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये इसमें बाइक जो है वो नज़र जो है वो बाहर से जो फिल्टर है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड ये 213 जो है वो चल रही है ठीक है, 213 किलोमीटर चल रही है, 208 से मैं स्टार्ट किया था तो अभी भी चल रही है। मैं आपके साथ एक यहाँ बात शेयर करूं कि एक तो इसकी पिकअप बहुत फर्क, जैसे हम रेस देते हैं यहाँ से देखिए ये ऐसे जैसे हम रेस हल्के से देते हैं ये ऐसे भागती है ठीक है, भगा क्यों नहीं रहा क्योंकि अभी हमने इसकी माइलेज चेक करनी है। और नंबर दो एक जो होता है ना कि अगर बहुत सारे लोग इसका फिल्टर लगाते नहीं है या बहुत सारे लोग इसको कार्बोरेटर उल्टा करके फिल्टर जो है बाल तरह लगाते हैं, फिर सामने से हवा पड़ती है एक आवाज़ आती है ना, जैसे कि रेस देते साथ जैसे आवाज़ आती है ये हवा की आवाज़ आती है ना कुछ अल्टर बाइक्स में, इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने जो फिल्टर है उसको बिल्कुल अंदर रखकर लगाया हुआ है। तो ये भी बड़ा अच्छा इसका जो बेनिफिट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है। अभी तक इसका पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, ये 14.34 चल पड़ा है, यानी कि ये अभी हमारा कितना हो गया 4 और 2, 6 किलोमीटर चल गई है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही, बड़ा जबरदस्त चल रही है बाइक। थोड़ा सा भगाते हैं, लेकिन सेफ जगह नहीं है भगाने के लिए, हाँ थोड़ा सा पेट्रोल खत्म हो रहा है। ऐसे चौक उठा के चल जाएगी लेकिन बस हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसने यहाँ पर कितना किया है, ये तो 15.4 बिल्कुल जीरो है, हमने 8 पे स्टार्ट किया था, 208 पे स्टार्ट किया था, 208 माइनस 215 एज इक्वल टू 7 आता है, जो जवाब आना था उसको मल्टीप्लाई करना था हमने 8 से, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 एज इक्वल टू 56 इसने माइलेज दी है ठीक है। तो इसके जो बाइक का अपना फिल्टर होता है ना जो बगैर जाली का होता है उससे भी ये 56-57 ही करती है, लेकिन इसमें जाली वाले के साथ करती थी 64, तो इसके साथ जो ये अल्ट्रा वाला है 56 किया तो इतना बुरा नहीं है, यानी कि 5-6 का ही फर्क है, लेकिन मुझे पिक को परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिली है ऐसे ऐसे के खुल के चल रही हो। तो फ्रेंड आप मैं डालता से पेट्रोल और हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी बाइक है ये 0 से लेकर 60 तक जो है वो कितनी देर में कवर करती है।
तो फ्रेंड्स इसने 0 से लेकर 60 तक किया है 9 सेकंड्स में। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ कि मेरी जो बाइक है 0 से लेकर 60 तक करती है हमेशा 12 सेकंड में, ठीक है। आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसने 9 सेकंड में तकरीबन जो है वो 0 से लेकर 60 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और तो ये देखिए मैंने हाथ रखा हुआ है, कोई गर्म नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा है गर्म, थोड़ा थोड़ा सा है, बाकी बाइक बिल्कुल ठंडी है, ठंडी चल रही है अभी। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर किया गया है। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।